मुख्यमंत्री जी की रेटिंग एक नंबर की, और ये रेटिंग में सबसे पहला लाइन डाडर आता है, उत्तर प्रदेश का लाइन डाडर फार फार बेटर है। लेकिन हमने ये कभी बात नहीं करी कि हम जीरो क्राइम देंगे। जहां कहीं अपराध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, और इसमें किसी एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अपराध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आज विशेष रूप से कोविड-19 के व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आज वाराणसी का मेरा दौरा था, इसके बाद मैं मिर्ज़ापुर भी जाऊंगा। हम कमांड कंट्रोल सेंटर गए थे और उसके बाद हमने ये बैठक जितनी भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए और प्रशासन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग कोविड-19 को देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, उनके साथ हमने बैठक की। हमारे माननीय मंत्री जी और सभी माननीय विधायक भी आज मौजूद थे। उद्देश्य यह है कि एक कोरोना के दो पक्ष हैं, एक बचाव पक्ष है, एक इलाज पक्ष। कि बचाव पक्ष में हमारी कोशिश यह है कि लोग सर्विलांस के माध्यम से ज़्यादा लोगों को हम आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को निकालें और उन लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएं। साथ ही साथ हमने कमांड कंट्रोल सेंटर में इस बात के निर्देश दिए हैं कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। कमांड कंट्रोल सेंटर में ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ किस अस्पताल में L1, L2, L3 के बेड्स खाली हैं, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर भेजे जा सकते हैं, और वही लोग ये तय करते हैं कि कौन सा मरीज़ किस अस्पताल में भेजने लायक है। तो उसके कम से कम समय में वो अस्पताल पहुँच जाएँ और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाए। कमांड कंट्रोल सेंटर का जो पर्पज़ है वो यही है, और इसके लिए उनको हमने आवश्यक निर्देश दिए। ख़ास तौर से इस मीटिंग में भी आज हमने सभी लोगों को इस बात के लिए कहा है कि सभी लोग ज़्यादा सिंपैथी से इन लोगों को डील करें, क्योंकि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया है। हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है। हम जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो हमारे पास 100 टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। आज हम 1,00,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर पहुँच गए। हमारा जो ठीक होने का रेट है वो भी बाकी प्रांतों से बेहतर है। साथ ही साथ जो हमारा पॉजिटिव रेट है वो भी दूसरे प्रांतों से बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 49,000 पेशेंट्स पॉजिटिव हैं आज की तारीख में, जो कि दूसरे प्रांतों से, जो हमसे छोटे छोटे प्रांत हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, अभी तक टोटल हम लगभग 32,00,000 की टेस्टिंग कर चुके हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका हम पालन करेंगे, तभी हम बचेंगे। अभी तक सरकार ने लॉकडाउन से लेकर अभी तक जितनी भी व्यवस्था थी वो सरकार ने की। अब हम अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अब बार बार जो है वो अपना हाथ धोएंगे और मास्क हर समय पहनेंगे, घर से निकलेंगे तो मास्क के बिना नहीं निकलेंगे, तभी कोरोना को के फैलाव को हम रोक सकते हैं। अच्छा, BHU में भी दुर्व्यवस्था की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। आज हमने BHU के लोगों से बात की है, उनको ये निर्देश दिए हैं। हमने आज बनारस में इस बात का भी वो किया है कि हम आगे के लिए 500 बेड बढ़ाएं, और हमने सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 500 बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिया। एक एक अस्पताल के लिए
अलग अलग से उनका वो भी बता दिया कि भाई तुमको इतने बढ़ाने हैं, तुमको इतने बढ़ाने हैं। टोटल हमारा लक्ष्य ये है कि 500 बेड बनारस बढ़ाए जाएं और ज़्यादा संवेदनशीलता से इलाज की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की लापरवाही न हो। अभी मैंने यहाँ मीटिंग में भी कहा है और अलग से भी हम उनसे बात करके इस बात का हमने निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम सिंगल बेड लेंगे तो स्थिति यह है, डबल बेड के लिए यह है, और ख़ास तौर से उन अस्पतालों में भी कि जो लोग पेमेंट कर सकते हैं, जो लोग पे कर सकते हैं, उन लोगों की व्यवस्था की है, जो अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, प्राइवेट वार्ड चाहते हैं, उन लोगों की व्यवस्था की गई।